हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। इस हफ्ते मैं आपके लिए एक बहुत ही डिमांडिंग वीडियो लेके आ रहा हूँ। मेरे से बहुत लोगों ने डिमांड की है कि आप एक 5.1 को डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जिसको डैक भी बोलते हैं, उसके थ्रू लगा करके बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है TPA 3116 बेस बोर्ड, जिसपे 5.1 का ऑडियो है। इसमें चार ICs हैं TPA 3116 की, दो इस साइड लगी हैं। यहाँ पे इसके इनपुट दी हुई है। अगर आप पीछे से इसको पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको दिख जाएंगे कि कहाँ फ्रंट लेफ्ट है, फिर फ्रंट राइट है, फिर इसके बाद इसी तरह से सारे कनेक्शंस को उसने डिफाइन किया है। और इस साइड जो ये टर्मिनल पिन्स हैं, इस साइड इसका आउटपुट दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पावर देनी है इस जगह पे, और इसके बाद बाकी जितनी भी प्लेसेस हैं सब पे आउटपुट लगेंगे स्पीकर्स के। तो 24 वोल्ट का बोर्ड है फ्रेंड्स, और ये आप देख सकते हैं फिनिशिंग वाइज बहुत ही मज़ेदार बोर्ड है। इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है, मैं बता दूं, जो सैटेलाइट स्पीकर्स हैं फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, रियर लेफ्ट और रियर राइट, वो तो 50-50 वॉट के हैं। सेंटर 100 वॉट का है और सबवूफर 100 वॉट का है। ये कैपेसिटर्स हैं, ये नए डिज़ाइन के इंडक्टर्स हैं। आज से पहले मैंने ये इंडक्टर्स किसी और बोर्ड में लगे हुए देखे नहीं, बट बहुत ही अच्छी क्वालिटी के दिख रहे हैं मेरे को। ये कैपेसिटर्स लगे हैं, फिर ये थोड़े चिप कैपेसिटर्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स हैं, ये पावर LED है। तो बहुत बेसिक फंक्शनैलिटी का बोर्ड है, इसमें कोई प्री एम्पलीफायर नहीं है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपको इसकी ऑडियो कम लगती है तो इसको और इसके बीच में आपको हो सकता है एक प्री एम्पलीफायर भी लगाना पड़े। फिलहाल वो प्री एम्पलीफायर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसको नहीं दिखा पाऊँगा। बट वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि इसमें से जो इनपुट आएगा उससे पहले उसका इनपुट बन जाएगा, तो 1:1 के रेशियो में वो कनेक्ट होता है कनेक्टिविटी में। तो इसके साथ ही जो मैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की बात कर रहा था, वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर ये है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया फिनिशिंग है इस बोर्ड की, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड बोर्ड है। और ये जो हम लोग बात करते हैं डॉल्बी डिजिटल इनकोडिंग की, उस पर चलता है। इसमें मेजॉरिटी ऑफ ICs में तो पार्ट नंबर ही नहीं है, जो इसकी मेन IC है उस पर से पार्ट नंबर ही मिटाया हुआ है कि छुपाने के लिए कि कोई इसको कॉपी ना कर पाए। ये छः जो आपको दिख रही हैं, ये छों आउटपुट पिन हैं। एक इसमें देखिए पीछे फिर से लिखा होगा, सब वूफर की है ये सेंटर स्पीकर की, ये रियर राइट की है, ये रियर लेफ्ट है, ये फ्रंट राइट है, ये फ्रंट लेफ्ट है, और ये LEDs हैं इसमें। आइए पोर्ट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए इसमें दो तो ऑप्टिकल पोर्ट्स हैं। ऑप्टिकल पोर्ट्स में फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये डस्ट सेंसिटिव होते हैं, तो ये हमेशा जो है एक ऑटोमेटिक कैप से कवर्ड रहते हैं। इवन ये जो आपको इनपुट इसका देना है इसमें, वो आपको आउटपुट अपने DTH में मिल सकता है। आप DTH में देखिएगा, ये आउटपुट होगा उसमें, तो आप वहाँ से दे सकते हैं। इसका एक ऑप्टिकल केबल आता है टॉसलिंक केबल करके, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो वो टॉसलिंक केबल होता है। मैं ऑप्टिकल की कनेक्टिविटी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। होता क्या है कि ऑप्टिकल जो होता है वो डिजिटल डिकोडिंग होती है। डिजिटल डिकोडिंग में आपको अगर पता होगा तो कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है, राइट? तो इस मेथड पे काम करता है ऑफ ऑन। तो वो लाइट से जब कनेक्टिविटी इसको देते हैं तो वो एक असलियत में लाइट की बीम होती है जो इसमें आती है और लगती है, और वो ऑफ ऑन होती है इतनी तेज़ी से कि हम लोग परसीव नहीं कर पाएंगे, और उससे वो 0101 01 बनाता है। और उसमें फिर आप कितने भी चैनल्स दे सकते हैं, क्योंकि वो एक डिजिटल डेटा होता है, ना कि एक एनालॉग डेटा होता है। तो उसमें 5.1 भी बन सकता है, उससे 7.1 भी बन सकता है, तो इसलिए। और क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है अगेन, क्योंकि वो डिजिटल रॉ फॉर्मेट होता है। तो आप जब भी कनेक्ट करते हैं, अगर आपको रियलिटी में 5.1 का एक अच्छा आउटपुट चाहिए तो आपको इन पोर्ट्स को ही यूज़ करना चाहिए। इसके साथ साथ कोएक्सल पोर्ट भी है, कोएक्सल पोर्ट से भी आपको डिजिटल इनपुट आप उसको दे सकते हैं। बट ये ध्यान दीजिएगा कि कोएक्सल पोर्ट में वो बात जो इसमें आएगी वो बात इसमें नहीं आती है। उसके बाद फाइनली आपको एक
3.5 mm का जैक दिया हुआ है। ये 3.5 mm का जैक आप इसमें जब इनपुट देते हैं तो स्टीरियो इनपुट देने के बाद भी ये पांचों चैनल आपके काम करते हैं। एक और बात बता दूं फ्रेंड्स, इसमें सबवूफर में ऑलरेडी जो सबवूफर वाला कनेक्शन है, इसमें ऑलरेडी जो है आपको जो आउटपुट मिलेगा वो फिल्टर्ड लो ऑडियो आउटपुट मिलेगा। तो आपके पास अगर सिर्फ एक एम्पलीफायर है जिसमें इनबिल्ट फिल्टर नहीं है, लो पास फिल्टर नहीं है, तो भी आप इससे डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो आपको सबवूफर का ही आउटपुट मिलेगा। सो ये पूरा कंप्लीट बोर्ड है। मैंने आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता दिया कि डिजिटल टू एनालॉग क्या होता है, तो वो डिजिटल जो 0 और 1 में इनकोडेड रहता है वो इसमें आता है और फिर वो ऑडियो फॉर्मेट में इन आईसीज के थ्रू कन्वर्ट होके यहाँ पे आउटपुट आता है। सो यहाँ से जो आप देंगे, यहाँ से आप एनालॉग इनपुट भी दे सकते हैं, मतलब आपके पास सारे ही ऑप्शन हो जाते हैं कि आप यहाँ से डिजिटल इनपुट भी दे सकते हैं और इस वाले से आप एक एनालॉग इनपुट दे सकते हैं इस बोर्ड को। जैसे नॉर्मल 2.1 अपने यहाँ 3.5 mm जैक होता है जो मोबाइल से निकलता है, बहुत सारे स्टीरियो प्लेयर से निकलता है, तो आप उसके थ्रू भी चला सकते हैं, आप इन डिजिटल इनकोडिंग के थ्रू भी चला सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये बटन, ये नॉब, सॉरी जो सॉकेट है, डीसी सॉकेट, ये बड़ा सा सॉकेट दिया हुआ है, जैसे लगता है ये 12 वोल्ट का सॉकेट है, बट ये इवेंचुअली 5 वोल्ट इसको इनपुट देना है। इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि एक बोर्ड मैं ऐसे डिस्ट्रॉय कर चुका हूं, मुझे लगा कि ये सॉकेट तो 12 वोल्ट का है और मैंने 12 वोल्ट का अडाप्टर कनेक्ट कर दिया और वो बोर्ड खराब हो गया। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर कि ये एक बड़ा सॉकेट भले ही है बट 5 वोल्ट का ही ऑडियो इनपुट देना है। इस बटन से आप चैनल चेंज करते हैं कि इससे चलाना है कि इससे चलाना है कि इससे चलाना है कि इससे चलाना है। ये बटन जो है बेसिकली आपके इनपुट को डिफाइन करता है कि कौन सा है। ये जो दूसरा है वो डिफाइन करता है कि आप 2.1 चलाना चाहते हैं कि 5.1 चलाना चाहते हैं। तो ये टोटल इतना सा बोर्ड है, इसमें दो फंक्शनैलिटी हैं। इसमें आपको थोड़ा सा हो सकता है कन्फिगर करना पड़े जब आप कनेक्शन लगाएंगे कि कौन सा पोर्ट सेलेक्ट करना है और 2.1 सेलेक्ट करना है कि 5.1 सेलेक्ट करना है। सो दिस इज इट, मैं अभी इसको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। बहुत सारे वायर्स लगेंगे बट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वायरिंग होती है तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। बस आपको ध्यान से जो सही जितने भी वायर हैं सही जगह लगाने हैं और इसके बाद पावर ऑन करना है। सो फ्रेंड्स, स्टेप 1 में मैंने इन दोनों की वायरिंग कर दी है। आइए मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने इसको कनेक्ट किया है। सो मेरे पास इसके रेडीमेड पिन नहीं थे तो ये जंपर वायर्स आते हैं, DIY इंडस्ट्री में बहुत कॉमन होते हैं, उनसे यूज़ किया है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फ्रंट राइट लिखा हुआ है पहली पिन पे, इस वाली पे FR इस फ्रंट राइट। इसको देखिए मैंने यहाँ पे जो फ्रंट राइट है ये इसके पीछे छुप गया है, FR लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है। देखिए सेम वायर, इसी तरह से जो जो वायर्स जहाँ जहाँ लिखे हुए थे मैं वहाँ वहाँ पे इनको सोल्डर कर दिया। और ये जो आगे वाली सबकी पिंस थी ये ग्राउंड थी, तो मैंने एक कॉमन ग्राउंड यहाँ से उठाया और यहाँ पे एक कॉमन ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया। बाकी जगह कनेक्शंस मैंने खाली छोड़ दिए क्योंकि वो सेम चीज़ है। सो मैंने ये सारे जितने भी पिंस थे वो इनकी नेमिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे साफ साफ सेम नेम लिखे हुए हैं, तो यहाँ से उठाया उस कलर के वायर को यहाँ पे सोल्डर कर दिया, एज सिंपल एज दैट। तो ये मेरा आपस में इन दोनों का कनेक्शन हो गया। अब मेरे को करना ये है कि मेरे को इसमें स्पीकर और पावर कनेक्ट करनी है और इसमें इनपुट कनेक्ट करना है। सो मैं उसको भी कनेक्ट करता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। सो फ्रेंड्स, मैंने कनेक्शन कर दिया है और पावर अप कर दिया है बोर्ड्स को। आप देख सकते होंगे ये LED लाइट जल रही है यहाँ पे, और मैं दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए ये फाइबर ऑप्टिक जो केबल होता है इसमें भी अंदर लाइट जलती है, ये लाइट जल रही है और इस पे हमेशा डस्ट कैप आता है। तो ये आपको डस्ट कैप लगाना चाहिए वायर पे जब भी आप उसको यूज ना करें। तो थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं 5.1 का क्या होता है। 5.1 का मतलब ये नहीं होता है कि 5 स्पीकर एक साथ बजें,
5.1 में होता क्या है कि जब रिकॉर्डिंग होती है तो हर चैनल की अलग रिकॉर्डिंग होती है, मतलब जो आवाज़ पीछे से आनी होती है वो माइक में पीछे से रिकॉर्ड होती है, थोड़े से डिले के साथ रिकॉर्ड होती है। जो आगे से आनी चाहिए वो आवाज़ पहले आती है, बट जो लेफ्ट हैंड साइड आनी चाहिए उसकी रिकॉर्डिंग लेफ्ट चैनल में होती है, और जो राइट में आनी चाहिए आवाज़ उसकी रिकॉर्डिंग राइट चैनल में होती है। इसकी तरह से ये सारी आवाज़ें मिल करके एक सराउंड साउंड सिस्टम बनाता है। तो जब तक आप कंप्लीट उसको सराउंड इनपुट नहीं देते तब तक आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। जैसे मैंने बताया था कि अगर आप ऑप्टिकल पोर्ट से दे देंगे तो डेफिनेटली आपके चारों स्पीकर्स बजेंगे, बट दैट डजंट मीन चारों पांचों स्पीकर जो बज रहे हैं दैट इज अ 5.1 सराउंड साउंड। वो एक सिर्फ स्पीकर आउटपुट दे रहा है बट आपको सराउंड साउंड सिस्टम नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए हर चैनल की अलग इनकोडिंग होती है और वो आपको यूजुअली इस ही वायर के इनपुट मिलेगी। तो आइए फ्रेंड्स इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको पावर को इसके कैप को निकाल लेना है और फिर इसको इसमें प्लग इन करना है। इश्क के नाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता मैंने वॉल्यूम धीमे कर दिए फ्रेंड्स, तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही मैंने प्लग इन किया वैसे ही ये बजने लगा। ऑल्दो मैंने इसको कॉन्फ़िगर पहले से कर लिया था, इस पर आप चेंज करेंगे तो आपकी ऑडियो चली जाएगी। ये देखिए नीचे LEDs जल रही है, मैं हिलाना नहीं चाहता क्योंकि बहुत ही लूज कनेक्शन है मेरे ऑडियो बोर्ड में। बट सो ये सारे चैनल अलग अलग बज रहे हैं, मैं एक सेकंड आपको चेक करके दिखाता हूँ। तेरे बिन कुछ नहीं कहता हूँ, हर तरफ तू नजर आता है मुझे। आपने देखा फ्रेंड्स वो सारे स्पीकर बज रहे थे, मेरे पास चार ही स्पीकर थे, मैंने सेंटर स्पीकर कनेक्ट नहीं किया हुआ है। इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही बोर्ड्स बहुत सेंसिटिव होते हैं और इसमें गेन IC भी नहीं है, तो आपको एक प्री एम्पलीफायर लगाना चाहिए। और इसमें नॉइज़ कंट्रोल करने के लिए ये वायर और पावर सप्लाई को और बेटर यूज़ करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो कुछ कैपेसिटर्स यहाँ पे, अगर आप इतने टेक्निकल हैं तो बढ़ा सकते हैं, तो बट अगर आप चाहते हैं तो उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, बशर्ते जो आपके ये वायर्स हैं उनको आपको अच्छा लगाना होगा और थोड़े दूर दूर रहें, थोड़े मोटे रहें क्योंकि आपस में इसको छुएंगे तो नॉइज़ बढ़ती है। सो इवन ये पावर सप्लाई भी आपको थोड़ी अच्छी क्वालिटी की लगानी होगी। फिर भी अगर नहीं होता है और आप सेटिस्फाइड नहीं है तो इन कैपेसिटर्स को चेंज करके थोड़े बड़े कैपेसिटर्स लगा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें कुछ भूल रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखाऊंगा कि इस बोर्ड की जगह जो आपके पास 2.0 2.1 बोर्ड है उसको लेकर के आप इसके थ्रू कैसे एक 5.1 स्पीकर सिस्टम बना सकते हैं और बिना इस बोर्ड को परचेज किए हुए। तो हो सकता है आपके पास पहले से 2.0 2.1 क्लासी एम्पलीफायर पड़े हों, तो बहुत ही सिंपल वो भी फंडा रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको दिखाता हूँ आपको। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।